हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है राधा। मैं हमेशा नेचुरल टिप्स और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो गाइस, आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बहुत शेयर, ठीक है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत लोगों को जो दिक्कत होता है ना हमेशा पार्लर जाने वाला, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आईब्रोज की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को आईब्रो अपने से बना नहीं पाते हैं तो उनको बहुत बार क्या होता है कि पार्लर की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी एग्जैक्टली तुरंत का यदि कोई भी कहीं जाना पड़ गया, कोई भी पार्टी फंक्शन पड़ गया तो लोग उस टाइम पे पार्लर जा नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, ठीक है। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ ना जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल भी जाएगी, उसके साथ में आप आराम से उसको अपने घर पे अपने से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी के भी हेल्प की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप आराम से अपने घर पे यूज़ कर। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आईब्रो ट्रिमर की, ठीक है। ये देखिए मेरे पास है और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना खुद का रिव्यू दे रही हूँ। मैंने इसको अपने खुद के पैसों से खरीदा है, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये है आईब्रो ट्रिमर, ठीक है, और मैं बगल में वीडियो में भी डाल दूंगी कि किस तरीके का जो आईब्रो ट्रिमर है ना, आप इसको आराम से घर पर ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा झमेला भी नहीं है। सो गाइस, देखिए ये इस तरीके के कुछ चीज़ों में आता है, इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता भी है, ठीक है, रुक जाइए। ओके, देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी क्लासी लुक लग रहा है मुझे, ठीक है। और इसमें एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, बहुत लोग चार्जिंग वाला भी लेते हो तो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसमें बैटरी वाला और बैटरी इसमें इंक्लूडेड आपको मिलेगी और इसका प्राइस लगभग आप आराम से 300 में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, यस, कुछ इस तरीके का दिखता है। और जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, यही क्या करता है कि आपके ट्रिमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का आ गया है, देन उसके बाद में क्या होता है कि बहुत लोग पार्लर नहीं जा पाते उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यदि हेयर सेट बड़े बड़े हो गए तब तो ये उसके लिए सही नहीं है, ठीक है, मैं आपको श्योरली बता रही हूँ। इसलिए नहीं सही है क्योंकि कभी क्या होता है कि लंबे बाल को ये बहुत ही तेज पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है, कि ये उसी लिए अच्छा होगा जब आप मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स होंगे आपके निकल गए होंगे। देन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे आईब्रोज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ हेयर्स ऐसे हैं जो अभी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। यदि आप बिगनर हो ना तो आपको बिगनर टाइम पे क्या करना है कि बहुत ही दूर दूर से यूज़ करेगा, अपने आईब्रोज के साथ में छेड़खानी मत करेगा क्योंकि यदि जरा भी शेप खराब कर देगा, सब चीज़ के साथ में खिलवाड़ सही है बट आईब्रोज के साथ नहीं यार, क्योंकि फेस पे यार लोग देखेंगे क्या समझेंगे, क्या अच्छा नहीं लगेगा, मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से देखते रहना है, ठीक। अब मैं आपको प्रिकॉशन ये भी बता देती हूँ कि जब भी आप इसको यूज़ करो, देन उसके बाद में ट्रिमिंग के बाद में आपको इसको देखिए इस तरीके से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर कुछ इस तरीके का ब्रेड पाया जाता है, देखिए इस तरीके का, ओके, यस, इस तरीके का देखिए ब्लेड पाया जाता है। तो यही ब्लेड जो होता है ना यही हेल्पफुल होता है आपके ट्रिमिंग में, ठीक है। तो देखिए इसको आपको ऑलरेडी सेट कर देना आराम से, उसके बाद में इसको आप आराम से ऐसे सेट कर देना है, ठीक। तो ये ऐसा हो गया, ठीक। आप इसको क्या करना है, आप बैटरी जब इसको इंसर्ट करोगे ना, देखिए बैटरी आपका इसमें आराम से इसी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसको ऑन करने के लिए क्या है, ये जो नीचे का बटन लगा है ना, ये इसको आपको ऊपर करना है, तो इसमें तुरंत देखिए ट्रिमिंग का आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बोलेगा, देखिए, यस, ऐसा बोलेगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये ऑन हो चुका है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए जो भी है आप आराम से ट्रिम कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटे छोटे बालों को ये तो आराम से हटाएगा, ठीक, लेकिन बड़े बालों के लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब रिस्क हो सकता है, ले नहीं सकते हो, लेना मत भाई, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अब क्या, देखो इसको ऑन करती हूँ मैं, स्टार्ट हो गया। अब जो भी मेरे एक्सेसिव हेयर्स है ना मैं उसको इस तरीके से हटाऊंगी, ठीक। अब देखिए जो भी है हटेगा और बहुत ही हेल्पफुल होता है, आराम से हटता है बाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जब आपके बालों को हटाएगा ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब आवाज आता रहता है, ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आराम से। अब इसी के तरीके का आजकल फेस के भी हेयर को रिमूव करने के लिए आ गया है, ठीक है। फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए उसका थोड़ा सा सर्कल में रहता है, थोड़ा सा पैची टाइप रहता है, ठीक है। वो आराम से लोग अपने जो भी अपर लिप्स हैं उन सबके हेयर्स को भी लोग हटा लेते हैं, ठीक। लेकिन यदि आपको अपना हटाना भी है ना तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपर लिप्स वगैरह के लिए, ठीक है, आराम से हट जाएगा, ठीक। बस इसको आपको ऑन करना है एंड देन इसके बाद में आपको पूरा इसको लगाना है। आप देखिए इसकी प्राइस तो 300 मैंने बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा इसके तरीके के ही और बहुत सारे ट्रिमर्स आते हैं जो कि फेशियल हेयर्स को रिमूव, जब भी आप यूज़ करो देन उसके बाद में इसके ब्लेड को आपको निकाल करके उसके बाद में कुछ इस तरीके का देखिए इसमें आता है ब्रश, ठीक है, कुछ इस तरीके का ब्रश आएगा,
हाँ ब्रश आएगा, इसको आपको इसका ब्लेड निकाल करके अंदर उसको अच्छे से साफ करना है, जिससे भी जो भी हेयर्स हो अंदर वो आराम से उसमें से साफ हो जाए, क्योंकि यदि उसमें रहेगा ना तो यदि वो कलेक्ट होने लगा देन उसके बाद में ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इसको भी अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने देखिए इसकी अच्छाई से लेकर के इसकी बुराई तक भी बता रखी है, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, बड़े से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।